हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको मेरे आलू का हार्वेस्ट बता रही हूँ। ये आलू मैंने पानी से प्रोपगेट किया है, मतलब वाटर प्रोपगेशन किया है, पानी में उगाया है ये आलू। तो मैं आज आपको इसका हार्वेस्ट बताती हूँ, कैसे ग्रो किया है मैंने, इसको कैसे स्टेजेस में ग्रो किया है वो मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों, ये आलू जो है, अपने को जो आलू हम यूज़ करते हैं उसको कभी कभी ना आइस के जैसा, मतलब उसके शूट्स निकल के आते हैं, तो वो जो शूट निकल के आते हैं वहाँ पे थोड़ा सा कट करके वो हमको टूथपिक से उसको एक छोटे से ग्लास में या तो कोई कटोरी में, जो भी आपको अवेलेबल है, उसमें थोड़ा सा पानी भर के ये टूथपिक से लगा के उसको उस पर फ्लोट करना होता है। पानी पर डुबाना नहीं है, सिर्फ फ्लोट करना है, मतलब सिर्फ नीचे का भाग पानी में रखना होता है। तो उस तरह से लगा के तो दो तीन दिन में दोस्तों उसके रूट्स निकल के आते हैं नीचे से, और ऊपर से शूट निकल के आता है। दोनों एक ही साथ में, ऊपर शूट निकल के आता है और नीचे से रूट निकल के आता है। तो डेली पानी चेंज करना पड़ता है हमको। तो इस तरह से मैंने उगाया है, और छोटे से ही ग्लास मेरे पास था, वो जो आइसक्रीम्स रहते ना वो यूज़ करके छोड़ दिए, तो ये इसमें मैं आलू का यूज़ कर रही हूँ, पानी प्रोपगेशन, वाटर प्रोपगेशन कर रही हूँ। तो अच्छे से रूट फॉर्म हो गए थे। बाद में एक 10 डेज के बाद में मैंने उसमें सॉइल में ट्रांसफ़र कर दिया है, और जब इतने अच्छे रूट्स फॉर्म हो गए हैं तो ऑब्वियसली ये ग्रोथ भी अच्छा बढ़ेगा दोस्तों। तो इस तरह से मैंने इसको एक पॉट में डाल दिया है। मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा ग्रो होगा, लेकिन बहुत ही बढ़िया ग्रो हो रहा था पॉट में। और सेपरेट पॉट में नहीं लगाई, मेरे पास पॉट्स नहीं थे तो साइड में लगाई थी, लेकिन एक हाइबिस्कस पॉट में लगाई थी। फिर अच्छे से ग्रो हो गया है, आलू भी बहुत सारे दिख रहे थे, बाहर ही दिख रहे थे। तो आलू का क्या है दोस्तों, आलू ऊपर ऊपर में आएगा, मतलब जो सॉइल में नीचे जाएगा वैसा नहीं है, ये आलू ऊपर से डेवलप होगा। तो अगर आपको लगाना है तो दोस्तों पॉट में हाफ सॉइल भर दीजिए, फिर बाद में ये जो प्लांट है उसमें लगा दीजिए, फिर बाद में थोड़े थोड़े सॉइल उसमें भरते रहिए, तो आलू अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। तो मुझे ये नहीं पता था तो ऐसे ग्रो कर दी। बहुत सारे आलू ऐसे बाहर दिख रहे थे, ये देखिए इतने सारे आलू बाहर दिख रहे थे, तो इसको स्पेस भी नहीं बस हुआ था, तो थोड़ा सा रुक गया था ग्रो। फिर भी 2 महीने हो गए तो मैं उसको हार्वेस्ट कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने हार्वेस्ट कर लिया है पूरा, और 2-3 स्टेम्स निकल के बाहर भी आ गए, तो सूख गए थे, तो छोटे छोटे आलू उसमें भी थे, लेकिन चींटियाँ वह सब आके ख़राब कर रहे थे। तो मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ ये, तो नेक्स्ट टाइम अच्छे से ग्रो करूँगी। तो मैं आपको, अगर आपको ग्रो करना है तो ये थोड़े टिप्स मैं आपको बता रही हूँ। ये प्रिकॉशनरी लेना होगा कि आलू के जो पॉट है वो आधा भर के फिर बाद में भरते रहिए मिट्टी, तो उस तरह से अच्छा सा ग्रो हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थोड़े आलू है छोटे, लेकिन जो आलू अपना घर का हार्वेस्ट करेंगे या कोई भी वेजिटेबल हार्वेस्ट करेंगे तो वो उसका खुशी अलग ही होती है दोस्तों। तो मेरे घर में ये पहला आलू सोच सकते हो, तो पहले भी आया था लेकिन इतना ध्यान नहीं दी, मैं वो सूख गया होगा, तो पौधा तो बहुत बड़ा हुआ था वो, फिर वो सूख गया था, मैं भूल भी गई थी वो टाइम पे। और ये फर्स्ट हार्वेस्ट है दोस्तों, तो मुझे अच्छा लगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा। दोस्तों मैं भूल गई कि इसमें फर्टिलाइजेशन थोड़ा देना पड़ता है, जैसे मैंने बीच बीच में एप्सम सॉल्ट डालती रहती थी, और ये अपना मस्टर्ड केक का सॉल्यूशन डालती थी, फिर कभी कभी बनाना पील का सॉल्यूशन भी डालती थी वो लिक्विड फर्टिलाइज़र का। तो ये रेगुलरली थोड़ा थोड़ा लिक्विड फर्टिलाइजेशन डालती थी, और जैसे चींटियाँ हैं दोस्तों, छोटे छोटे चींटियाँ आते थे कभी कभी, तो उसको थोड़ा सा ये राख बोलते ना, वुड ऐश,
वो थोड़ा स्प्रिंकल करती थी तो उससे चींटियाँ वो सब कम होते थे। और लेकिन दोस्तों इसको मीली बग्स अटैक बहुत होते थे, तो नीम ऑयल का सोल्यूशन भी डाली है मैंने बीच बीच में। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।